हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अभी है दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ रसम। रसम का नाम सुनते ही ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको रसम पसंद ना हो। साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश है ये, और ख़ासकर मैं इसे गर्मी के सीज़न में बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इजी होता है, झटपट बन के तैयार हो जाता है और हमारे पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ कि मैं रसम में क्या क्या डालती हूँ। तो ये बड़े साइज़ के 4 टमाटर हैं, हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक भी आप यूज़ कर सकती हैं, थोड़ी सी इमली है और धनिया की पत्तियाँ। इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी अच्छी तरह से। तो बस टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, रफली चॉप करना है, बहुत महीन नहीं काटना है क्योंकि सबको तो ग्राइंड ही करना है। तो मैंने चारों टमाटर को लेके काट लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आप सबसे कि जब आप इमली डाल रही हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसमें बीज ना हो, वरना ग्राइंडिंग समय आप बहुत परेशान हो जाएंगी, खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है और ऐसा लगता है कहीं हमारे जार का ब्लेड ही ना टूट जाए। तो अच्छा होगा या तो पहले ही आप इमली को भिगो लीजिए, या उसमें कोई बीज ना हो तो तब देख के उसे आप सीधे ग्राइंडिंग जार में ही पीस सकती हैं सब चीज़ों के साथ। वरना जैसे हम लोग सांभर में डालते हैं ना, पहले से भिगो के रखते हैं, फिर उसका पल्प निकाल के सांभर में मिक्स कर देते हैं, तो वैसे भी आप इमली को यूज़ कर सकती हैं, आप चाहे जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ मैंने एक बार तो पीस के ले लिया है, मेरा जार काफ़ी भर गया था तो मैंने दो बार करके पीसा था। पहले वाले में मैंने धनिया की पत्तियाँ नहीं डाली थी, इसमें मैं उनको भी साफ करके डाल लूँगी। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कौन से स्टाइल का रसम है, इसमें तो ना कोई मसाले हैं और धनिया की पत्तियां कहाँ डलती हैं भला रसम में। तो दोस्तों देखिए, रसम कई तरीकों का होता है, कई स्टाइल से बनाया जाता है, ये एक मेरा स्टाइल है। ऐसा नहीं है मैं जो रसम का जो ऑथेंटिक स्टाइल होता है उस तरीके से भी बनाती हूँ, बना चुकी हूँ उसको। उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो ब्लैक पेपर और जीरा कूट के डाला जाता है लहसुन अदरक के साथ, तो वो चीज़ में ना मुझे लगता है कि गर्मी के सीज़न में बच्चों को पसंद नहीं आएगा। और ये वाला जो तरीका है, जो मेरा तरीका है, इसमें कोई मसाले नहीं है, बहुत ही चटपटा बनता है, तीखा नहीं लगता है, चटपटा लगता है और मेरे बच्चे भी बड़ी आसानी से खा लेते हैं। तो अगर हो सके तो ये इस स्टाइल का रसम एक बार आप बना के देखिए। एक बार बनाओगे बार बार बनाते रह जाओगे, बार बार खाओगे बनाकर, मतलब इतना अच्छा लगता है। इसे आप चावल के साथ खाओ या ऐसे ही सूप की तरह पी लो, जैसे भी आपका दिल करे, बहुत ही मज़ेदार। ग्राइंडिंग का काम तो मेरा हो गया, अब बाकी है उसको तड़का लगाने की। जी हाँ, इस रसम को मैं तड़का लगाऊंगी। उसके लिए मैंने काटा है प्याज। पहले तो मैंने सोचा कि एक प्याज डालती हूँ और उस प्लेट में काटने की कोशिश की थी, पर वो प्लेट इतना ज़्यादा हिल रहा था कि कट ही नहीं रहा था सही से, तो मैंने फिर चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया। एक्चुअली मैं बहुत हड़बड़ी में थी, टाइम होते जा रहा था सुशील जी के आने का। तो रसम जो है इतनी जल्दी बन के रेडी होती है ना कि मैं थोड़ा बैठ गई कि अभी तो बहुत टाइम है, जब तक वो आएंगे मैं बना के रेडी कर लूँगी। लेकिन जब मैं बनाने उठी तो काफ़ी हड़बड़ाहट हो गई थी मुझे। एक प्याज मेरे लिए काफ़ी नहीं था, मुझे कम लग रहा था, तो मैंने दूसरा प्याज लेके यहाँ पे काटा। दो प्याज काफ़ी थे क्योंकि आज मैंने बड़े बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए थे। रोज़ में अक्सर मैं क्या करती हूँ, 3 टमाटर मेरे लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन वो मैंने बताया ना सूप की तरह पी सकते हैं, तो हम लोग ना इसको लेके कटोरी में पीते भी हैं, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया क्वांटिटी इसकी कि जिसको दिल करेगा वो पिएगा लेकर।
वो मैं देखना पूरी कहा क्या काना मोर पंख कितना काना मोर पंख काना मोर पंख हाँ अब आपको टीवी नहीं देख रहे सुबह बहुत टीवी देख रहे रसम बना रही हूँ कौन खाएगा ये बोलो कौन खाएगा रसम दोस्तों साउथ इंडिया की हर फूड में ना करी पत्ते डलते हैं। अब तो हम भी हर अपने खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन साउथ इंडियन हर फूड में करी पत्ता एकदम ज़रूरी होता है कि डालना ही है। तो मेरे पास ये सूखे हुए दो स्टीम पड़े हुए थे, उनमें से भी एक स्टीम में वाइट वाइट कलर के डॉट डॉट चित्ती जैसे लग गए थे, तो मैंने उसको तो यूज़ नहीं किया। ये दूसरा स्टीम बिल्कुल ठीक था, मैंने उसको यूज़ कर लिया। वैसे करी पत्ता का पाउडर सूखे पत्तों से ही बनाया जाता है, तो सूखा पत्ता यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जब पत्ते काले हो जाते हैं ना उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें स्मेल एकदम मिट्टी जैसी स्मेल आती है, तो उनको आप यूज़ मत कीजिए। तड़के में आपने देखा ही मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तीन चीज़ें हैं, सरसों का तेल लेना है। एक्चुअली सरसों का तेल ऐड करेंगे तो चार चीज़ें हो जाएंगी। सरसों के तेल में थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ते और प्याज। प्याज जब पूरा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम अपना प्यूरी ऐड कर देंगे उसमें। ये दो कलर में प्यूरी देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि एक तो टमाटर मैंने पहले पीसा हुआ था, मेरा जार भर गया था इसलिए दो बार मैंने पीसा था उसमें। दूसरी बार में धनिया की पत्तियां थी इसलिए वो ग्रीन ग्रीन दिख रही है टमाटर। देखिए मेरा प्याज जो है एकदम ब्राउन हो गया है, आप देख ही रहे हो। अब इसमें मैंने अपना प्यूरी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से डालिए। वैसे मैं बता दूं रसम हमेशा पतला ही होता है, तो पानी आप 2 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। इस वक्त आपको रसम का कलर ऐसा दिख रहा है, मतलब ग्रीनिश टाइप का, लेकिन जब ये पकेगा ना उबलने के बाद ये रेड कलर में आ जाएगा। लास्ट में आप देखोगे जब मैं सर्व करूँगी तो जब तक मेरा रसम पक रहा है तब तक मेरे थोड़े से बर्तन हैं उनको धोकर मैं हटा लेती हूँ। स्मेल इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। मैंने बताया ना कि रसम का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो अभी तो मैंने बना के रेडी किया है तो मेरे मुंह में भर भर के पानी आ रहा है। मन कर रहा था कब कब पी लूँ इसको, तो खैर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने थोड़ा सा एकदम कटोरी में निकाला, मैं शुभी को टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरे घर में एक वही लड़का है जो ना कि मतलब अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए अभी आप कलर देख रहे हैं कैसा हो गया इसका।
मैंने बताया था कि ये पकने के बाद टमाटर जब पकता है तो ये कलर उसका चेंज हो जाता है। इधर आओ, ये रसम बनाइए टेस्ट कर। टेस्ट करके सबको बताना कैसा है, ठीक है? बताओगे? दोस्तों ये था कंचन स्टाइल रसम। मेरे बेटे ने मेरे रसम को 10/10 मार्क्स दिए हैं। बहुत ही टेस्टी बढ़िया बना है। आप इस रसम को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे बना के। तो यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ, सुशील जी की थाली है, रसम के साथ बरबट्टी की सब्जी है, पापड़ है। वैसे सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।